सो हे गाइस, दिस इज वॉरियर राइडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आया हूं अपने महिंद्रा के शोरूम में, महिंद्रा अपनी 300X लेके, जो कि आपके सामने है। ये जो अपना वर्जिन है, अपनी MX3 PM MT मॉडल है, जो कि अपना बेस मॉडल से ऊपर मॉडल है, मतलब बीच का मॉडल आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने है। आज हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके डीप डिटेल्स के बारे में और रिव्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फ्रंट पे। तो फ्रंट पे आप बोनेट के नियर बाय देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो फ्रंट की ग्रिल है वो आपको महिंद्रा की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि काफी स्टाइलिश इसके लुक को इनहेंस बनाती है। ओके गाइस, साथ ही बात करें इसकी फ्रंट के फेंडर की, जो कि आप देख सकते हो काफी स्टाइलिश फेंडर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अपना गाड़ी के अंदर। साथ ही बात करते हैं हम इसकी हेडलाइट के बारे में, जो कि आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट इसकी आपको मिलने वाली है। इसमें आपको 4 प्रोजेक्टर लाइट मिलने वाली है, जो कि आपकी एक अपने दो अपनी राइट साइड में और दो अपनी लेफ्ट साइड में, आपको कुछ इस तरीके की DRL लाइट्स के साथ आपको ये प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। और DRL लाइट भी आप देख सकते हो, काफी स्टाइलिश DRL लाइट इसके अंदर आपको हेडलाइट में मिलने वाली है। ओके गाइज, अब बात करते हैं हम इसके नीचे की तरफ, आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही बात करें हम इसके बोनेट की, जो कि आपको काफी हैवी टूटी के साथ, इसका हैवी मेटल के साथ आपको बोनट इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। ओके गाइज, और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो फ्रंट का फेंडर है वो भी आपको कूलेंट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको गार्ड एक तरीके का मिल जाता है, चाहे ब्रेकर वगैरह पे लगे तो अपना जो फ्रंट का फेंडर है वो ब्रेक वगैरह ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर की, जो कि आपको LED इंडिकेटर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं विद हैजार्ड लाइट सिस्टम के साथ, ठीक है गाइस। और बात ही करें हम इसकी राइड प्रोफाइल के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी लुक जो इस गाड़ी का है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट के टायर के बारे में, जो कि आपको वेंडर के आपको ट्यूबलेस टायर इसके गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले हैं, जिसका साइज 205/65R16/95 का इसका फ्रंट का टायर का साइज आपको कुछ इस तरीके का इसमें मिलने वाला है, ठीक है गाइस। और चारों टायर एक ही साइज के आपको इसमें आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस टायर के साथ ये गाड़ी। आपको डोर्स के ऊपर यहाँ पर क्रोम कलर की फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। साथ ही बात करते हैं इसके टायर के अपर साइड, आप देख सकते हो मैट ब्लैक कलर का, यहाँ प्लास्टिक फाइबर का, हार्ड प्लास्टिक फाइबर का यहाँ पर आपको एक तरीके का स्टाइलिश दिया जाता है। साथ ही बात करते हैं हम इसके मिरर की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रोम कलर के कवर के साथ आपको इसके मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके ऑटोमेटिक मिरर इसके अंदर आपको दिए गए हैं इस गाड़ी के, ठीक है गाइस। साथ ही बात करते हैं हम इसके राइट डोर के बारे में, जो कि मैं ऑन ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना गार्ड एक तरीके से दे दिया गया, जैसे मतलब एक्सीडेंट वगैरह से ना हो। और नीचे की तरफ भी आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया इसकी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है SUV के हिसाब से। साथ ही बात करते हैं हम इसके लेफ्ट डोर के बारे में, जाके आप देख सकते हैं महिंद्रा की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही रियर के भी टायर आपको वेंडर्स के सेम 205/65R16 के आपको रियर के भी टायर कुछ इस तरीके के इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बात करते हैं हम इसके रियर के अलॉय और फ्रंट के अलॉय की, जो कि आपको 16 इंच के इसके अपने व्हील मिलने वाले हैं, जो कि आपके फ्रंट और रियर के दोनों सेम है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम इसके बैक लुक के बारे में, जहाँ पर आपको रियर में अपना गार्ड देखने को मिल जाता है बैक साइड में, जो कि अपना महिंद्रा की बैजिंग का आता है। साथ ही बात करते हैं हम इसकी बैक लाइट के बारे में, जो कि आपको LED टेल लाइट और बैक लाइट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको रिवर्स की लाइट भी देखने को मिल जाती है इंडिकेटर की, इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर कुछ इस तरीके के मिलने वाले। अब साथ ही बात करते हैं हम इसके बैक स्पेस के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसको खोल के एक बार मैं आपको टूल किट वगैरह दिखाया था, इसमें आपको एक्स्ट्रा टायर दिया गया है, जो कि अपने टूल किट के साथ आता है, ठीक है। अपना टायर खोल के अगर पंचर वगैरह हो जाए तो इसे निकाल के अपना ये वाला टायर लगा सकते हो। साथ ही जो बैक का अपना स्पेस है वो काफी ज्यादा स्पेस इसके अंदर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको कवर देखने को मिल जाता है, जो मतलब ऊपर फ्लैप की तरह लग जाता है। और साथ ही जो इसका बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस इसके गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये अपना फ्यूल टैंक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके ये पेट्रोल वर्जन है, ये जो वर्जन है अपना MX3 PM MT वर्जन है, ठीक है। इस पेट्रोल का इसमें मिड वेरियंट है अपना। और साथ ही बात करते हैं हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में, जो कि यहाँ पर भी आपको 2 डोर्स देखने को मिल जाती है, और साथ ही महिंद्रा की बैजिंग भी आपको कुछ इस तरीके के डोर्स पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को इनहेंस बनाती है, ठीक है। सेम आपको गार्ड मिल जाते हैं, सेम आपको फ्लैप मिल जाते हैं अपर के और मिरर के अपर की साइड जाके, ताकि बारिश वगैरह आए तो भाई सीधा पानी वगैरह ना आए। इसमें महिंद्रा की बैजिंग के साथ ही आपको महिंद्रा कंपनी से लगे लगाए इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, एसेसरीज में नहीं आते। अब बात करते हैं हम इसके बैक डोर के बारे में, मतलब जो इसका पीछे का दरवाजा है अपना लेफ्ट साइड का, वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको दोनों डोर देखने को मिल जाते हैं, राइट डोर भी और लेफ्ट डोर भी। और इसमें आपको यहाँ पर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, अपना पावर विंडो है तो भाई अपना अप और डाउन को मिल जाता है, यहाँ पर अपना ग्लास वगैरह रख सकते हो, कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो। और स्पीकर का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हरमन केस के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फ्रंट डोर के बारे में, जो कि आपको सेम ही यहाँ पर आपको स्पेस इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सेम ही आपको पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्विचेस मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें इसके डैशबोर्ड के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके बैक विजन के बारे में, जहाँ पर आपको यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, SUV 3XO की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। पहले 300 आती थी, अब ये 3XO कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि ये 2024 मॉडल है। साथ ही आपको रिफ्लेक्टर लाइट भी सेफ्टी के पर्पज पे बैक साइड में कुछ इस तरीके की आपको मिल जाती है, ठीक है गाइस। और अपनी देख सकते हो अपनी हजार लाइट इंडिकेटर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके इंजन की,
इसका जो इंजन है वो आपको 1.2 TGDI 1197 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाता है, पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 129 BHP पावर 5000 RPM पे ही। साथ ही बात करते हैं हम इसके मैक्सिमम टॉर्क की, जो कि आपको 230 Nm मैक्सिमम टॉर्क इसमें 1500 RPM पे मिलने वाला है। ठीक है गाइस, 1500 to 3750 RPM पे इसमें मिलने वाला है। ठीक है गाइस, साथ ही इसके अंदर आपको कूलेंट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही इसमें ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने इंजन से कम ज़्यादा हो तो डाल सकते हो। और बात करें हम इसके रॉफ टॉफ की, जो कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर ड्यूल टोन के अंदर ये आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को एनहेंस बनाता है। ब्लैक कलर के कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ है। ये जो गाड़ी है आपको सनरूफ के साथ देखने को मिल जाती है, इसके अंदर ऑटोमेटिक सनरूफ है। ठीक है, अपना ऑन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप एक बटन से भी ऑन कर सकते हो और अपना फ्लैप भी हटा सकते हो। साथ ही बात करते हैं हम इसके फ्रंट के डोर के बारे में, जो कि आपको जो अपना ड्राइवर का जो डोर है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है देखने को। ठीक है, साथ ही इसमें आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपने मीटर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, चारों डोर्स के आपको लॉक देखने को मिल जाते हैं इसी में ही, जिससे आप अनलॉक और लॉक कर सकते हो। मिरर भी, चारों जो विंडो है वो भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलने वाली है, जिससे आप स्विचेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे अपनी सीट आगे पीछे आप कर सकते हो, यहाँ से मतलब एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है गाइस, और साथ ही जो फ्रंट की सीट भी इसकी काफ़ी लेदर की आपको देखने को मिल जाती है, पसीने वगैरह नहीं आएंगे आपको। ठीक है गाइस, और बैक वगैरह में दर्द वगैरह नहीं होगा, यहाँ से आप सीट एडजस्टेबल भी कर सकते हो, इसको अपर साइड करके आगे और पीछे अपनी हाइट और हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर जो सीट है वो आपको काफ़ी न्यू सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सीट तो मेरे ख्याल से वैसे ही होती है, और इसमें गाड़ी लेने के बाद हर बंदा भाई सीट कवर जरूर लगवाता है, आप भी जरूर लगवा लेना, क्योंकि सीट अपनी जो ओरिजिनल होती है वो हमेशा ही रहती है। एक बार मैं अंदर बैठकर आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का यहाँ पर एडजस्टमेंट सीट के साथ मैंने कर लिया है और मैं बैठ गया हूँ फुल एडजस्टेबल होके। एक बार मैं इसका आपको सनरूफ खोल के दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हैंड से भी खोल सकते हो कुछ इस तरीके से, और जो ये मिरर है वो आप एक बटन से अपना ऑन ऑफ कर सकते हो, जिसके कंट्रोल आपको सामने की तरफ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ लाइट का भी स्विचेस देखने को मिल जाता है, और अपने सनरूफ का भी स्विच यहीं पर ही आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना कंट्रोल करके ऑन और ऑफ कर सकते हो इसको। ठीक है, ओपन और क्लोज। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो स्विचेस है वो कुछ इस तरीके मैंने आपको बताई दिया, सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, और लाइट आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको फ्लैप देखने को मिल जाते हैं, जैसे अपनी धूप ज्यादा कम ज्यादा आ रही हो तो अपने लगा भी सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। यही सेम आपको ड्राइवर की साइड भी देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैप एक तरीके का मिलता है सन वगैरह के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके स्टेयरिंग के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर मैट ब्लैक कलर का स्टेयरिंग कुछ इस तरीके का महिंद्रा के लोगों के साथ आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर आपको स्विच कंट्रोल अपने देखने को मिल जाते हैं अपने राइट साइड में भी और अपने लेफ्ट साइड में भी। इसमें स्विचेस काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, अपना फ़ोन कॉल वगैरह इसी से अटेंड वगैरह कर सकते हो, और अपना देख सकते हो काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर है, जो कि आप मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कॉल अटेंड कर सकते हो और अपना कॉल काट भी सकते हो। ठीक है, राइट साइड में भी आपको स्विचेस देखने को मिल जाते हैं एक तरीके के, जिससे आप अपने अपना क्या वाइपर वगैरह चला सकते हो, बंद वगैरह कर सकते हो। हाई बीम लो बीम लाइट के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं फंक्शन से, जिससे आप अपना वाइपर कंट्रोल कर सकते हो और अपनी हेडलाइट कंट्रोल कर सकते हो। और एक तरीके से जो एसी वेंट है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और हेडलाइट को जिससे अपन ऊपर नीचे करना हो ऑटोमेटिक तो वो भी आप अपनी कर सकते हो प्रोजेक्टर लाइट को। ठीक है गाइस, और साथ ही बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ इस तरीके का इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो कि आपको LCD म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आपको टच वाला देखने को मिल जाता है। एसी वेंट कुछ इस तरीके मिल जाता है, हजार लाइट का स्विच आपको देखने को मिल जाता है, और ऑटोमेटिक एसी वेंट है इसके अंदर काफ़ी बढ़िया, और काफ़ी क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको USB चार्जर भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जर भी मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसकी गियर की, इसके अंदर आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैनुअल गियर के साथ आती है। ठीक है, और काफ़ी कुछ है इसमें, USB चार्जर आप देख सकते हो यहाँ पर, और नीचे की तरफ यहाँ पर भी आप अपना डैशबोर्ड की तरफ एक तरीके से यहाँ पर भी आप सामान वगैरह डाल सकते हो, मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो, और गियर भी इसके काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी स्मूथ गियरिंग है। और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपने ग्लास वगैरह भी आपको देखने को फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। ठीक है गाइस, और अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, जो कि आपको फुली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीड मीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस सब आपको अपने मीटर के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लच लीवर, ब्रेक लीवर और अपना एक्सीलेटर लीवर भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। साइड में आप कोने में देख सकते हो, इससे अपना बोनट ओपन होता है। ठीक है, ये भी आपको फ्रंट में ही अपना ड्राइवर साइड में देखने को मिल जाता है, जो कि बाकी गाड़ियों में भी कुछ अलग तरीके से आता था और इसमें अलग तरीके से आता है। ठीक है गाइस, साथ ही बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में, जो कि आपको एसी वेंट काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आप देखने को मिल जाते हैं, और मिरर बैक विजन के लिए मिरर भी इसके अंदर आपको तीन देखने को मिल जाते हैं, एक तो अपना ड्राइवर का है और अपना राइट साइड में और लेफ्ट डोर में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस,
अब एक बार मैं पीछे की सीट पे बैठ के आपको दिखाया था, पीछे की सीट भी काफ़ी कुशनिंग और काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी बैक वगैरह में और बम वगैरह में दर्द वगैरह नहीं होगा। ठीक है गाइस, सबसे प्रॉब्लम सबको ये आती थी भाई पीछे बैठने में कि एसी वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, पीछे हवा वगैरह नहीं आती थी, तो इसके अंदर आपको एसी वेंट भी साइड में ही दे दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हो। पीछे की तरफ भी आपको एसी वेंट कुछ इस तरीके के इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, टाइप सी और अपना 12 वोल्ट का चार्जर भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो, फ़ोन वगैरह भी इसके अंदर आप रख सकते हो और एसी वेंट भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, पीछे भी आपको गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, साथ ही इसके इंटीरियर में आपको ड्यूल लाइट देखने को मिल जाती है, ये बैक साइड में भी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है और ड्राइवर साइड में भी आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है अपनी गाड़ी के तरीके से, गाड़ी के टाइप से। ठीक है, क्योंकि भाई पहले जो गाड़ी आती थी उसमें एक ही लाइट देखने को मिल जाती थी, जिसको अपने फ़ोन की लाइट हमें जलानी पड़ती थी। अब बात करते हैं हम इसकी लेग के स्पेस के बारे में, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी लेग का स्पेस काफ़ी बढ़िया है। मेरी हाइट 5.6 इंच है, लेकिन यहाँ पर अपना जो सर देख रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अपना थोड़ा सा इतना गैप आपको देखने को कुछ इस तरीके का गाड़ी में मिल जाता है। अब बात करते हैं हम इसके, ये जो गाड़ी है 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी आपको मिलने वाली है। ठीक है, और बात करें हम इसके प्राइस के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि आपको दिल्ली के अंदर ये एक्स शोरूम 9,49,000 रुपीज़ के आपको एक्स शोरूम मिलने वाली है। साथ ही बात करते हैं हम इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, ऑन रोड आपको दिल्ली के अंदर ये MX3 MP MT जो मॉडल है वो आपको 11,18,484 रुपए की आपको ये ऑन रोड दिल्ली के अंदर मिलने वाली है। सो गाइस, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 42 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलने वाला है कुछ इस तरीके का। ठीक है, साथ ही बात करें इसके बूट स्पेस की, 384 लीटर का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको वायरलेस चार्जर, व्हील कवर भी मिलने वाले हैं और वायर्ड एप्पल कारप्ले भी मिलने वाला है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी मिलने वाला है, HD इन्फॉर्मेटर मिलने वाला है, सिंगल पैनल रूफ भी आपको सनरूफ मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है गाइस, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसी गाड़ी के अंदर आपको जो कि मिलने वाले हैं। अब बात तो गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपनी महिंद्रा XUV 3XO के ऊपर, जो कि 2024 मॉडल है आपके, जो भी रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ उसके ऊपर मैंने आपको बताया स्पेसिफिकेशन और रिव्यू। होप्स आप सबको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे कि मैं अपनी बाइक रिव्यू के वीडियो बनाता हूं, तो आप मुझे पता है कि काफ़ी सारी गलतियां मेरी इस गाड़ी की रिव्यू में हुई होगी। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं क्या क्या मुझे बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए, या फिर मैंने क्या नहीं बताया वो आप मुझे बताएं, जो कि मैं अपनी गलतियाँ आगे की जो अपनी गाड़ी के रिव्यू दूंगा उसमें सुधार सकूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, स्कूटर, स्कूटी के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।